इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सबटाइटल्स भी हैं तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि कई बार होता है कि उर्दू वर्ड्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो हमें कोई कोई लाइन होती है कि नहीं समझ में आती, बट आज ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है हमारे लिए। सो गाइस देखते हैं ये बयान कैसा होता है। बयान को शुरू करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बनी इसराइल में एक नौजवान था, वो इतना नाफरमान था कि लोगों ने उससे तंग आकर उसको निकाल दिया बस्ती से। बस्ती से निकलना मौत थी। चंद दिन के बाद उसके असबाब खत्म हुए, खाना पीना खत्म हो, बाइकाट हो, कंबल न रोटी पहुंची न पानी पहुंचा, सिसक 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 मौत किनारे आ लगा। जब उसने मौत की आहट को महसूस किया तो उसने यूं देखा, कोई है? कुछ नहीं नजर आया। पर उसने यूं देखा, कोई है? उसे कोई नजर नहीं आया। पर उसने बड़ी नदामत से यूं आसमान की तरफ देखा और कहा और कहा और क्या कहा, या मन ला तदुर्रुह दुनूब वला तनकुसुहुल मग़फिरा, ऐ वो रब जो माफ करने से घटता नहीं और अजाब देने से बढ़ता नहीं, मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की, मुझे सब ने छोड़ दिया है, मेरी बेबसी पे रहम फरमा, मेरी आमद आमद है, तू ना मुझे छोड़, कि तेरे नेक बंदों से मैंने ये सुना हुआ है, तू बड़ा मेहरबान है, मुझे ना छोड़। ये कहते कहते वो मर गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा मेरा एक यार जंगल में मर गया है, एक यार मेरा एक दोस्त जंगल में मर गया है, उसके जाके जनाजे का इंतजाम करो और लोगों में ऐलान कर दो, जो इसके जनाजे में शरीक होगा आज वो भी बख्शा जाएगा। लोग भागे, आगे देखा तो वो बदमाश, लोग खेलने के, मूसा क्या कह रहे हो, ये अल्लाह का वली है, ये वही है जिसे हमने धक्के दे के निकाला, ये वो है, ये कहां से अल्लाह का दोस्त और वली बन गया, ये कहां से ये मर्तबा पा गया। तो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो ठीक कह रहे हैं, मैं भी ठीक कह रहा हूं, ये ऐसा ही था जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन जब इस पर मौत आई, इसने दाएं देखा इसे कोई नजर ना आया, इसने बाएं देखा इसे कोई नजर ना आया, पर इसने बेबसी से मुझे देखा, मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, मूसा देखो मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, पर अल्लाह जो चाहे कर दे। कहने लगे, मूसा जब इसने बेबसी से मुझे देखा तो मेरी गैरत ने गवारा ना किया, जिसे सब छोड़ दे मैं भी छोड़ दूं, मेरी इज्जत की कसम मूसा, अगर उस वक्त ये पूरी दुनिया की मुझसे बख्शिश मांगता तो उसके आंसुओं के तुफैल मैं पूरी दुनिया को माफ कर देता। कारून जैसा मुजरिम जमीन में धंस रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम की मिन्नतें कर रहा था, माफ कर दे, माफ कर दे, और मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे और पकड़ो और पकड़ो, कहता माफ कर दे, कहते और पकड़ो। जब वो सारा जमीन में धंस गया तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा बड़ा मजबूत था तेरा दिल, इतनी मिन्नतें सुनकर भी तू ना माना, मेरी इज्जत की कसम एक दफा मेरी मिन्नत करता मैं बाहर निकाल देता। तुम पुकारो तो सही,
मैं ना आऊं तो फिर गिला देना, मेरे बनो तो सही, मेरे बनो तो सही। हज़रत उमर के जमाने में कवैया गाया करता था, रोटी बनाता था, आवाज बुढ़ापा आ गया, आवाज खत्म हो गई, लोगों ने सुनना छोड़ दिया, रोटी बंद हो गई। तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बैठा अल्लाह से कह रहा, या अल्लाह आवाज थी तो रोटी भी मिलती थी, आवाज गई तो रोटी भी गई, तू मेहरबान है, एक मेरे फाके पे रहम फरमा, मेरे रिज्क का बंदोबस्त फरमा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में सोए हुए थे, मस्जिद सोए हुए थे, तो उनको ख्वाब में आवाज आई, मेरा एक बंदा बकी में मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद को पहुंचो ए उमर। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा उठे, खौफ ज़दा, ना सर पे टोपी ना पगड़ी ना पाँव में जूता, दौड़ लगाई जन्नतुल बकी की तरफ। वो बड़े मियाँ एक झाड़ी के पीछे बैठा अल्लाह से बातें कर रहा था, जब वो तेजी से अंदर दाखिल हुए तो कदमों की आहट, उसने पीछे मुड़ कर देखा तो उमर, उसने कहा आ गया उमर कोड़ा लेकर पिटाई करने। वो भागा उठ के, तो उमर ने फरमाया रुको रुको रुको, मैं खुद नहीं आया, भेजा गया हूँ। तो वो कहने लगा किसने भेजा है? कहा वही जिससे बातें कर रहे थे उसने भेजा। तो उसकी एक चीख निकली और बैठ गया, कहने लगा मेरे रब सारी जिंदगी तुझे भुलाया, याद किया तो पेट की वजह से किया, ए अल्लाह, और तूने उस पर भी लब्बैक कहा, ए अल्लाह मुझे माफ कर। और उसकी चीख निकली और जान निकल गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद उसका जनाजा पढ़ाया और कब्र में उतारा। मेरा एक शागिर्द है कराची में, उसकी मस्जिद के साथ बराबर एक औरत लड़कियां सप्लाई करती थी, गलीज तरीन काम, गंदा तरीन धंधा। उस शागिर्द ने मेरे बयान की केसट उसके बेटे को दी कि भैया सुन लो, पहले दोस्ती लगाई फिर केसट दे दी। वो घर में सुन रहा है, उसकी माँ आते जाते उसके कानों में आवाज पड़ रही, वो भी आके बैठ गई सुनती रही। कहने की दोबारा लगाओ सारी सुन, फिर कहने एक दफा और लगाओ फिर सारी सुन, फिर कहने लगी ये किसकी है? उसने कहा मुझे भी नहीं पता किसकी है, मुझे तो मौलवी साहब ने दी है। उसने बेटे का हाथ पकड़ा, मस्जिद के दरवाजे पर आ गए, लोग तरावी पढ़ के निकल रहे थे, बुला लिया बच्चे को, इमाम को बुलाया, कहा ये कैसेट आपने दी है, कौन है ये? कहा मेरे उस्ताद है तारिक जमील साहब। वो कहने लगी उन्होंने तौबा की, बड़ी अच्छी बात की, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती? क्या काम करती थी वो, मैं दोबारा जबान पे लाते हुए शर्मा रहा हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती? कहा हाँ जी, वो कह रहे हैं अल्लाह कह रहा है तो कबूल ही कबूल है। कहा अच्छा फिर मैं तेरे सामने अल्लाह की बारगाह में तौबा करती। और अगले दिन उसने मस्जिद में तरावी में आना शुरू कर दिया। तरावी के बाद जब दुआ जो कहती या अल्लाह अगर मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। सारी जिंदगी काम क्या किया मैंने बता दिया है, ये पांचवा रोजा है। और वो रोज तरावी के बाद कहती या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। 29वीं तरावी सजदे में अल्लाह ने उठा लिया। सारी जिंदगी क्या करके गुजरी और मौत राबिया बसरी जैसी आई। तो मेरे अजीजो, मेरे बच्चो, मेरे भाइयो, मेरी बेटियो, अल्लाह से सुलह कर, अल्लाह से सुलह कर, अल्लाह से सुलह कर। वो हमारा बन गया तो मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहु, इन वजदतनी वजदत कुल शै व इन फुतनी फातक कुल शै व अना खैरुल लक मिन कुल शै। मेरा बंदा मेरी तलब में आ, मैं मिला सब कुछ मिला, मैं न मिला कुछ न मिला। मन तकर्रब इक तलक्कैतुहु मिन बईद। सारी जिंदगी नाफरमानियां करके अबे कहाँ जा रहे हो? तो यार अल्लाह को मनाने जा रहा हूँ। और तू कहाँ जा रही बड़ी भी? कहा अल्लाह को मनाने जा रही हूँ। अब इस बुढ़ापे में तेरी कौन सुनेगा? दांत तेरे नहीं, दिखता तुझे नहीं, चला तुझसे नहीं जाता, अब तेरी माफी कहाँ से होगी, अब तेरी कौन सुने? वो क्या कह रहा है, वो ऊपर वाला क्या कह रहा है? मन तकर्रब इलैह
जो मेरी तरफ आता है, चाहे सहारे से आ रहा ले चलो मसी तेरा बनो राजी कर, मैं क्या करता हूँ, तलक्की तो हो मिन बईद, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूँ, मैं माफी मांगने के लिए जो आ रहा है मैं उसका इस्तकबाल करता हूँ। आया मेरा बंदा, मैं तो कब से इंतजार में था, مَن يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسْأَذَنُ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَ ابْنَ آدَمَ وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَنْ تَبْتَلِعَهُ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَنْ تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ। कोई दिन खाली नहीं जाता जब समंदर पूछता नहीं इजाजत दे बहा दूं, जमीन कहती इजाजत दे धंसा दूं, फरिश्ते कहते हैं इजाजत दे उड़ा दें गर्दनें इनकी, और जिसका मैं ना फरमान, जमीन तो मेरी तरह मखलूक है, पानी मेरी तरह मखलूक है, फरिश्ते मेरी तरह मखलूक हैं, इन्हें जोश आ रहा है और जिसकी नाफरमानी हो रही वो कह रहा है चलो अब्दी फाना आलम बेअब्दी मिन काम, चलो चलो अपना काम करो, मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं जानू मेरा बंदा जाने, इनका ना अब्दकुम फशानकुम बिही, तुम्हारा बंदा है पकड़ दो उड़ा दो मार दो, वह इनकान अब्दी फमिन्नी व इलैय अब्दी, अगर मेरा बंदा है तो मैं जानू मेरा बंदा, मेरे बंदे को मेरे सपुर्द कर दो, दरमियान से निकल जाओ। वो जबान हाल से कहते हैं तो पकड़ता क्यों नहीं, वो कहता है मैं तौबा का इंतजार कर रहा हूँ, इन अतानी नहरन कबिलतुहु इन अतानी लैल कबिलतुहु, जिस दिन तौबा करने आएगा एक ताना नहीं सुनेगा पहले किथे रह गया हूं, एक बोल नहीं सुनेगा बुढ़े वारे आ गए हैं केड़े मुंह नाल आ गए हैं हुण किथे आए हैं, एक लफ्ज ऐसा नहीं सुनेगा पहले कहां थे अब क्यों आए हो। आओ मेरे बच्चों हम अल्लाह से आज सुलह कर, من تقرب الي تلقيته من بعيد, جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں, اور اگلی بتاؤں ومن اعرض عني ناديته عن قريب, اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں, کدھر جا رہے ہو, اولک رب غیری, میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو, آؤ نا الحسنۃ عندي بعشر امثالها وازيد, تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی دس لکھتا ہوں اور دس سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گنا کر دیتا ہوں, والسیئۃ عندي بمثلها واعفو واغفر, اور تیرا ایک گنا ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں, عفوك انی للنور مدتدا أسرار قلبي وجدت ألقي أسايا رباه عفوك। सो गाइज बयान बहुत ज़्यादा अच्छा था, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे कि गाइज इसका टाइटल था अल्लाह की रहमत, तो मतलब पूरी वीडियो में उन्होंने जिस तरह मतलब कुछ स्टोरीज सुनाई थी उसके थ्रू उन्होंने जैसे समझाया वो तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे हमें इन्होंने बताया कि बस उनको सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को मतलब फील होए कि हाँ हमें हमसे गलती हो गई है एंड देन उस चीज को एक्सेप्ट करके माफी मांगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि माफी मांगनी चाहिए अगर गलती की है तो, और इन्होंने जैसे बताया कि उनका दिल इतना बड़ा है कि तुम चाहे कितनी बड़ी भी गलती कर देते हो तो वो माफ कर देंगे, बस हमको हमारा ये है कि हमें माफी मांगनी चाहिए अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस चीज को एक्सेप्ट करके, और उस चीज को हमें ये सीखना चाहिए कि अब से ये गलती हो गई अब नहीं होगी। और ये सबसे बड़ी चीज भी होती है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी होती है, ये सबसे मुश्किल चीज भी होती है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो कि गलती हुई है, एंड अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद भी बड़े बनते हो, अगर ऐसा करके इंसान अगर ऐसा करने लग जाए तो वो खुद एक अच्छा इंसान भी बनेगा कि उस गलती से भी बहुत कुछ सीखेगा, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक और चीज, हम मतलब जो इंसान होते हैं वो गॉड फियरिंग होता है, हम गॉड लविंग नहीं होते, मतलब हम कुछ भी होता है तो हमें डर लगता है, और अगर कोई सोचे भी गॉड के बारे में तो उसके सबसे पहले दिमाग में यही होगा कि अच्छा हमें ये पनिशमेंट मिल जाएगी, हमें ये पनिशमेंट, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा जो रिलेशन है गॉड के साथ वो सेल्फलेस लव का होना चाहिए,
फियर, अगर हम सही लाइफस्टाइल यूज कर रहे हैं तो हमें किसी बात का फिर फियर होना नहीं चाहिए। हाँ, तो और अगर बीच में अगर कुछ हो भी जाता है गलती, तो इन्होंने जैसे बोला है कि उनको इंतजार रहता है तौबा का, ये लाइन उन्होंने प्रॉपर यूज की थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, कि उनको इंतजार है तौबा का, तो तुम तौबा करो, मतलब कि तुम उसके हाँ, लिए सॉरी तो बोलो एक और बार। ऐसा नहीं, अगर इंसान है तो गलती भी होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल्कुल अगर इंसान को बनाया है तो वो गलती भी करेगा, बट अगर आप गलती कर रहे हो तो, और अगर आप उसकी सॉरी बोलते हो तो माफी मांग देते हो किसी सामने वाले इंसान से जिसके साथ हमने कुछ किया है, तो बहुत बड़ी बात होती है। सामने वाला भी माफ कर देगा और गॉड भी आपको फिर माफ कर देगा। और जैसे इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि मतलब उसे आई थिंक कहीं से निकाल दिया था, तो फिर मतलब उसके साथ कोई नहीं था, एंड एंड में उसने बस मतलब गॉड को मतलब था लास्ट में। तो फिर मतलब ऐसे, और वो खुद भी बोलते हुए काफी मतलब इमोशनल भी हुए थे एक बार। तो इसमें लिखा भी था वेरी इमोशनल बयान, स्टार्टिंग बयान का जो शुरू हुआ था तब भी वो मतलब पूरे इमोशनल हो रखे थे, वो काइंड ऑफ पूरा रो ही रहे थे। बहुत ज्यादा अच्छा ये बयान था। आप लोग बताना आप लोगों को ये बयान कैसा लगा और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।